सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 1 नवंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में सीट्स पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सीट्स पर रही है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा दी की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में दुनिया भर के प्रमुख शिक्षाविदों के वोटों के आधार पर सीट्स 200 विश्वविद्यालयों को वार्षिक रैंकिंग प्रदान की जाती है और इस बार इस रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। टॉप 3 नामों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट नंबर पर है, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान सेकंड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड थर्ड नंबर पर है। इसके अलावा 4 भारतीय संस्थानों ने टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में अपनी जगह बनाई है, जिसमें बेंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास शामिल है। भारत में शीर्ष स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान ने प्राप्त किया है। आईआईएससी बेंगलोर ने शीर्ष 191 में से 100 में स्थान प्राप्त किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए भारत के पहले मानव युक्त समुद्री अभियान का क्या नाम है। समुद्रयान इसका नाम है, बी आपका आंसर हो जाएगा। समुद्रयान परियोजना लॉन्च होने के बाद भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो समुद्र की गहराई में खोज कर रहे हैं। भारत से पहले अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन समुद्री मिशन को लॉन्च कर चुके हैं। इस मिशन का उद्देश्य समुद्र की गहराई में अनुसंधान करना है। इस परियोजना को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। भारत का पहला, देश में पहली बार IVF तकनीक से बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है गुजरात में। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में किया है। प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बन चुका है। वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला पहला देश का पहला जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश बन चुका है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व शहर दिवस 2021 कब मनाया गया है। 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड सिटी डे मनाने की शुरुआत 31 अक्टूबर 2014 को शंघाई चीन में की गई थी। इस वर्ष 2021 में 7वां विश्व सिटी दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देने, अवसरों की पूर्ति के लिए देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने और दुनिया भर में सतत शहरी विकास में योगदान करने के लिए मनाया जाता है। 2021 की थीम है जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। संस्करण 7वां है। टॉप 5 दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2021 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। सर्वदृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस 2021 27 अक्टूबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 2021 28 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड सोराइसिस डे 29 अक्टूबर को मनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A को लॉन्च किया है। फ्रांस ने इसे लॉन्च किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रांस ने एक अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज 4A को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसे फ्रेंच गयाना के कोरो से एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। सिराक्यूज 4 पहला फ्रांसीसी सैन्य उपग्रह है जो अन्य उपग्रहों का पता लगाने की क्षमता रखता है।
जो इससे जानकारी इकट्ठा करने या इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की करेंसी यूरो है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स हैं। भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे हैं? फ्रांस से। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय भी फ्रांस पेरिस में स्थित है। फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? मैगिनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? लॉयर नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने ज़रूरतमंद परिवारों को मकान बनाने के लिए फ्री ज़मीन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य की सरकार उन लोगों को निःशुल्क प्लाट उपलब्ध कराएगी जिन लोगों के पास रहने को अपना घर नहीं है और ना ही उनके पास कोई भूखंड है। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना में उन्हें फ्री प्लॉट दिए जाएंगे जिससे वे अपना स्वयं का घर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कराने से पहले कुछ जानकारी के साथ हम आपको लेकर के चलते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश आर वी मलिमठ हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक भूषण इसके अध्यक्ष बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की है? इटली ने इसकी अध्यक्षता की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इटली में 16वीं G20 समिट शुरू हो गई है। इस समिट में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी रोम के रोमा कन्वेंशन सेंटर में पहुंच गए हैं। G20 ग्रुप ऑफ 20 G20 19 देशों और यूरोपीय संघ का समूह है। स्थापना 26 दिसंबर 1999 को हुई थी। भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन हुआ था अमेरिका में जो कि 2008 में हुआ था। 16वां G20 सम्मेलन 2021 में इटली में होगा। 17वां G20 सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में होगा। 18वां G20 सम्मेलन 2023 में भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इनविजिबल एम्पायर द नेचर हिस्ट्री ऑफ वायरसेस पुस्तक को किसने लिखा है? पिरनेलाल ने इस पुस्तक को लिखा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। किस राज्य की सरकार ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। योगी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपये तक का इलाज कैशलेस दिया जाएगा। इस योजना के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जो कि बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य के पशु भारत सिंघा, राज्य के पक्षी सारस, राज्य के वृक्ष अशोक का है, राज्य के फूल पलाश का है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 सीटें हैं और विधानसभा सीटें 404 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ब्रुनेई दारू रसलाम में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? ब्रुनेई में जो उच्चायुक्त बने हैं उनका नाम है आलोक अमिताभ डिमरी। दी आपका आंसर हो जाएगा। ब्रुनेई एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बेंडर सेरी बेगावन है। राष्ट्रपति हसनैन बोल किया है।
नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी। पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? 13 मई 1952 ईस्वी को शुरू हुआ था। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ऐतिहासिक शीर्षक सूर्य मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में किस किस के बीच हुई थी? अकबर और हेमू अकबर, जिसमें विजयी हुआ था। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चंस के साथ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की शुरुआत स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में रविवार से शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन को COP26 भी कहा जा रहा है। 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजित किया गया है। इस साल सम्मेलन के लिए 25,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने पंजीकरण कराया है। ब्रिटिश अधिकारी आलोक शर्मा की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने जीता 5वां रूजना जोरा टूर्नामेंट का खिताब। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने 5वां रूजना जोरा टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। उन्होंने 9 दौर 7 अंक हासिल किए हैं। उन्होंने रूस के मकारियान रूडिक को 1 अंक से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अंटार्कटिका में ग्लेशियर का नाम ग्लासगो ज्वालामुखी सम्मेलन पर रखा है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में रविवार से शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के मद्देनज़र इस शहर के सम्मान में सुदूर अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर का नाम ग्लासगो ग्लेशियर रखा गया है। ग्लासगो के अलावा 8 नए ग्लेशियरों का नाम जेनेवा, रियो, बर्लिन, क्योतो, बाली, स्टॉकहोम, पेरिस और इंशियान रखा गया है। सभी उन शहरों के नाम पर है जहाँ संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण जलवायु शिखर वार्ताओं के आयोजन हुए हैं। फ्रांस ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4 लॉन्च किया है। फ्रांस ने एक अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज 4 को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसे फ्रेंच गयाना के कोरो से एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। सिराक्यूज 4 पहला फ्रांसीसी सैन्य उपग्रह है जो अन्य उपग्रहों का पता लगाने की क्षमता रखता है जो इससे जानकारी इकट्ठा करने या इसे नष्ट करने की कोशिश कर रही है। एयर मार्शल संजीव कपूर ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। एयर मार्शल संजीव कपूर ने रविवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने असित मिस्त्री का स्थान लिया है। संजीव कपूर को दिसंबर 1985 में भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में नियुक्त किया गया था और उनके पास विभिन्न प्रशिक्षण, परिवहन और रणनीति विमानों पर 7,800 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। ने एयर मार्शल कपूर NDA के 67वें पाठ्यक्रम डी स्क्वाड्रन डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ज्ञान ऐप कंसल्ट किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने इसको लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया है। देश का सबसे बड़ा एरोमिक गार्डन किस राज्य में खोला गया है? ये गार्डन खोला गया है उत्तराखंड राज्य में। सी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड को नैनीताल जिले में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान मिला है। विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ये मनाया जा चुका है। ये आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के रूप में नामित किया है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लोहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है।
दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है दक्षिण कोरिया में, भी आपका आंसर हो जाएगा। इस परियोजना की लागत लगभग 292 मिलियन डॉलर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका रक्षा सहयोग के लिए भारत किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है? इजराइल के साथ टास्क फोर्स बनाने के लिए भारत सहमत हुआ है, भी आपका आंसर हो जाएगा। छह, सहयोग के लिए भारत इजराइल देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की है? तो ये किस राज्य सरकार ने घोषणा की है, ये की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, भी आपका आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत गरीब लोगों को जमीन सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आलोक अमिताभ डिमरी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ब्रुनोई में इनको उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। ब्रुनोई के प्रधानमंत्री हसनल वल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका किस राज्य सरकार ने अपना राज्य दिवस 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है? तो 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु राज्य का, राज्य 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किस शहर ने जीता है? तो ये जीता है सूरत शहर ने, इसी आपका आंसर हो जाएगा। सूरत शहर जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्र में आयोजित अंडर 14 वर्ग में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में तेजुल इस्लाम ने स्वर्ण पदक जीता है, यह किस शहर से है? यह श्रीनगर शहर से बिलोंग करता है, भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान उत्तराखंड के किस जिले में विकसित किया गया है? नैनीताल जिले में विकसित किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO के महानिदेशक के रूप में टेड्रोस एडनाम को पुनः नियुक्त किया गया, वह किस देश के नागरिक हैं? वो इथोपिया के नागरिक हैं, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका रेणु शर्मा को निम्न में से किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर किया गया मिजोरम का, भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गो ग्रीन योजना शुरू की, यह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन ईंधन सेल पावर प्लांट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है? दक्षिण कोरिया में ये पूरा कर लिया गया है, डी आपका आंसर हो जाएगा। 1 से 3 नवंबर 2021 तक कितने जिलों में गंगा उत्सव 2021 का आयोजन किया जाएगा? 150 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कितने स्थान पर रहा है? तो भारत यहाँ पर रहा है 79वें स्थान पर, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन ही ओ हांग ओ के मेमोरियल पार्क जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है, जाना जाता है, भारत किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है अयोध्या, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपका आंसर हो जाएगा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक शीर्ष स्थान पर काबिज है, डी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।